आज मैं फिश तवा फ्राई बनाने जा रही हूँ। उम्मीद है कि रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो देखते हैं इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसके लिए मैंने ये मीडियम साइज़ की लंबी लंबी मछलियाँ ले ली हैं और इनमें चाकू से मैंने कट लगा दिए हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप मछली चॉइस करें तो उनमें मिडिल में एक कांटा होना चाहिए। कांटे वाली मछली से तवा फ्राई नहीं बना सकते। एक चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा नींबू का रस। इन सभी चीज़ों को मैं एक बर्तन में डाल के मिक्स कर लेती हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट ऑलरेडी मेरे डिश में है, इसमें सब डाल देती हूँ। धनिया पाउडर, लाल मिर्च, आधा नींबू का रस। इन सभी सामग्री को ज़्यादा पतला नहीं घोलेंगे, थोड़ा गाढ़ा रखेंगे जिससे हमें इसे फिश पे लगाने पे आसानी होगी। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं गैस ऑन कर देती हूँ जब तक मेरा तवा गर्म हो जाता है। मैंने गैस ऑन कर लिया है, तवे पे मैं तेल डाल दूंगी, अच्छे से चला दूंगी। अब जो मछलियां लेके मैं अच्छे से हाथ से कर लेती हूँ जिससे सारा मसाला मछलियों में अच्छे से लग जाए। हमारा तवा गर्म हो रहा है, जब तक हम इन मछलियों की कोटिंग कर लेते हैं। ये हमारा तवा गर्म हो चुका है, अब इनके ऊपर हम जो मछलियां लंबी लंबी डाल देंगे। थोड़ा मसाला ऊपर से भी लगा देंगे। जब तक मछलियां फ्राई हो रही हैं, मैं बाकी मछलियों की कोटिंग कर लेती हूँ। चम्मच से हम साइड में हल्का हल्का तेल डालेंगे। इनको एक एक करके पलट लेंगे, दूसरी साइड से सेक लेंगे। आप दूसरी साइड भी साइड में तेल डाल देते हैं। इसको मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे। ये खाने में बहुत टेस्टी होती है और बहुत जल्दी भी बन जाती है। देखिए हमारी फिश लगभग फ्राई हो चुकी है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इनको एक प्लेट में निकाल देते हैं।
देखिए कि हमारी फिश रेडी हो चुकी है। इसको आप भी बनाइए और सबको खिलाइए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।